नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। मैं बात करने जा रहा हूं कंपनी गांधी स्पेशियल ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी जो है एक स्पेशियल टाइप ऑफ ट्यूब यहां पर मैन्युफैक्चर करता हुआ नजर आता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों अपने कार में और भी कुछ हैवी व्हीकल्स में इस टाइप का छोटा छोटा जो है ट्यूब्स यहाँ पर लगा हुआ रहता है दोस्तों, जो कि फ्यूल इंजेक्शन और कुछ हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर इंजेक्शन के लिए जनरली यूज होता हुआ आप देखेंगे। और इस टाइप का ट्यूब्स कंपनी यहां पर जो है मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आता है। अगर हम कंपनी की टाइप्स देखेंगे, पहला नंबर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है कोल्ड ड्रॉन ब्राइट एनलिड सीमलेस ट्यूब। जी हाँ, इसको ये कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आता है। और इसकी अगर हम देखेंगे इसकी जो एप्लीकेशंस को इस ट्यूब की, तो ये हाइड्रोलिक ट्यूब्स में यूज होता है, हाई प्रेशर डीजल फ्यूल इंजेक्शन ट्यूब्स, ट्यूब फॉर जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। देखा जाए तो दोस्तों गाड़ियों में और भी कोई और जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जहाँ पर ऐसा मशीन है जिसमें जो है फ्यूल इंजेक्शन की ज़रूरत हो, हाइड्रोलिक ऑयल की इंजेक्शन की ज़रूरत हो, तो इस टाइप का ट्यूब्स यहाँ पर ये यूज होता हुआ नजर आता है, जिसको कि गांधी स्पेशियल ट्यूब्स लिमिटेड यहां पर बनाता हुआ नजर आता है। अगर दूसरा टाइप्स ऑफ की बात करेंगे, ये कंडेंसर फॉर रेफ्रिजरेटर्स, आप देखे होंगे रेफ्रिजरेटर्स के पीछे भी छोटा छोटा ट्यूब लगा रहता है, कंप्रेसर ट्यूब्स, ट्यूब फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड और कुछ पर ऑटोमोबाइल्स के लिए। और ये देखिए इसके अलावा कंपनी जो है दोस्तों यहाँ पर नॉट इसके रिलेटेड नट बोल्ट भी यहां पर बनाता हुआ नजर आता है। काफ़ी स्पेशल टाइप ऑफ इसका बिजनेस है दोस्तों, और काफ़ी स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट्स यहां पर नज़र आता है। इस कंपनी की अगर हम अहमियत को देखना चाहेंगे दोस्तों, कंपनी की जो यहां पर प्रेजेंस को देखना चाहेंगे मार्केट में, तो हमको इनकी क्लाइंट को देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी का क्लाइंट नेम की अगर बात करेंगे, यहाँ पर क्लाइंट कौन कौन है, मेचुअल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्या है, ऑटो एंसिलरी, जितने भी ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं जो कंपनी है दोस्तों, इनके आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे। देखिए टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव को लिमिटेड, मारुति उद्योग, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, लार्सन एंड टूब्रो, तमाम गोदरेज एप्लीकेशंस, कैरियर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, वोल्टास, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां इनके यहाँ पर क्लाइंट नजर आते हैं। और इनकी क्लाइंट लिस्ट तो काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी है दोस्तों। एस्कॉर्ट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि ट्रैक्टर्स बनाता है, SMS इंडिया, सीमेंस, ग्लेंडर, एंड्रीटीज, क्या कर तमाम, देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए आयरन एंड स्टील कंपनी, स्टील सेल जो है यहाँ पर इनकी यहाँ पर कस्टमर्स नज़र आ रहे हैं। टाटा आयरन एंड स्टील को लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कस्टमर और क्लाइंट्स जो है यहाँ पर नज़र आते हैं दोस्तों कंपनी के। बिल्कुल आप इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के चल सकते हैं। आज के दिन कंपनी अगर देखेंगे तो दोस्तों यहां पर अपना क्वार्टर फोर रिजल्ट रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आ रहा है। और उन्होंने आज के दिन देखिए 15/6/2021 उन्होंने जो है नोड वी एक्सचेंज को फाइलिंग करके बता दिया है। यहाँ पर देखिए ये जो इनका जनरल मीटिंग है June 22, 2021 को होने वाला है, और इसमें ये फाइनेंशियल रिजल्ट को अपना अनाउंस करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ है तो डिविडेंड भी ये प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। और ये देखिए महत्वपूर्ण बात, टू कंसीडर बायबैक ऑफ द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। और देखिए उस दिन दोस्तों यहाँ पर बायबैक का भी अनाउंसमेंट करने कर सकते हैं, ये इनका ऐसा कहना है दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने एक्सचेंज को बताया है। तो बिल्कुल आप कंपनी के ऊपर नज़र बना के चल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम कंपनी के और कुछ पैरामीटर को देख लेते हैं, आखिर कैसा परफॉर्म करता है कंपनी, ये देखिए ये तो कस्टमर्स हैं ही दोस्तों। इसकी अगर हम रेवेन्यू मिक्स को देखेंगे, ये देखिए कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी, वेल्डेड ट्यूब्स 14% के रेवेन्यू आता है इसमें से, कोल्ड फॉर्म्स नॉट्स 6% है, विंड पावर से 1% और सीमलेस ट्यूब बना के लगभग 80% की रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कंपनी की प्राइस परफॉर्मेंस, ये देखिए कंपनी एक साल में दोस्तों यहां पर देखिए 107.110% की यहां पर रिटर्न बना के दिया है, जस्ट डबल किया है यहां पर इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को। ईयर टू डेट अगर बात करेंगे ये 58.48% है, पिछले 3 महीने 48.63% है दोस्तों, 1 महीने की बात करेंगे ये देखिए 36.69% की यहाँ पर रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है।
कंपनी की अगर हम डिलीवरी एक्शन को देखेंगे, यहाँ पर कुछ कुछ डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर 60%, 53%, और यहाँ पर देखा जाए मंथली एवरेज को तो 53% की यहाँ पर डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहा है। आज के दिन की अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, आज के दिन एक्चुअली क्या हुआ क्या था इसको अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं और इसकी प्राइस को भी थोड़ा देख लें। आज देखिए 20% की यहाँ पर जंप, जबरदस्त जंप आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर 67 पॉइंट की यहाँ पर जंप दिख रहा है, और ये देखिए अपर सर्किट लगते हुए भी शेयर में नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप 100% इसके ऊपर नज़र बना के चल सकते हैं दोस्तों। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप तुरंत ही कल ही जाकर इसको खरीद लो, ये तो अभी अपर सर्किट लग चुका है, जैसे ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बिल्कुल कंपनी के ऊपर नज़र बना के इसके ऊपर 100% रिसर्च करके ही इसमें जो है पोजिशन बनाने के लिए सोचेंगे। ये मेरा जो दोस्तों, अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा। नेक्स्ट अगर हम और कुछ पैरामीटर को देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर को भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी नंबर को अगर देखा जाए तो देखिए दिसंबर 2019 में 18 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़, फिर जून 2020 में देखिए यहाँ पर डिप हो गया था 11 करोड़, 25 करोड़, 36 करोड़ 2020 में ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करेंगे तो ये रिजल्ट अवेटेड है और आने वाले समय में ये लोग रिजल्ट दे देंगे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदर्शन करने की यहाँ पर उम्मीद तो दिख रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, दिसंबर 2020 में था ये 12 करोड़ का यहाँ पर कंपनी नेट प्रॉफिट यहाँ पर किया था दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर किसके पास है दोस्तों, प्रोमोटर के पास है, जो कि 73.39% की होल्डिंग आपको देखेगा। FII कुछ होल्डिंग करते हैं क्या, यहाँ पर होल्ड रखते हैं क्या, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इन्होंने तो घटा दिया है, देखिए दिसंबर 2020 से 1.25 था और अब 0.69, थोड़ा सा नॉमिनल होल्डिंग यहाँ पर FII का दिखता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट अगर हम DII की बात करें, इन्होंने भी थोड़ा बहुत शेयर यहाँ पर रखे हैं दोस्तों, 0.02% की होल्डिंग यहाँ पर दिखेगा। बाकी जो है दोस्तों 25.91% की होल्डिंग ये पब्लिक के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज भी देखेंगे तो बढ़िया नज़र आया दोस्तों। इसकी अगर हम प्लेस शेयर को देखेंगे, कुछ कोई प्रमोटर द्वारा प्लेज है नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पर प्रमोटर अपना प्लेज नहीं किए हैं दोस्तों। ये एक बढ़िया पॉजिटिव वाली साइन है। कंपनी की अगर बैलेंस शीट को देखेंगे, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास है क्या, कुछ 140 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में कोई भी कर्जा कंपनी के पास नहीं है दोस्तों। और ये डेटा जो है हम देख रहे हैं, ये दिसंबर अप टू 2020 तक का है। आने वाला करंट डेटा जब कंपनी रिजल्ट अनाउंस करेगा तब हमको मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में भी कोई कर्जा नहीं है, बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी लगता है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 करोड़ का है। करंट इन्वेस्टमेंट कुछ करके रखा है, 30 करोड़ का यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। टोटल एसेट की बात करेंगे तो देखिए 161.70 करोड़ का यहाँ पर टोटल एसेट है दोस्तों। कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी तो बढ़िया लग रहा है, आप बिल्कुल इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के चल सकते हैं। बस आज के लिए इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।